एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स दिस इज़ द साइंस सीरीज फॉर क्लास सिक्स हम पढ़ रहे हैं एन क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर ट्वेल्व इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट एंड दिस इज द पार्ट टू वीडियो पार्ट वन वीडियो में हमने समझा था व्हाट इज अ इलेक्ट्रिसिटी यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है और लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए उस कंडीशन में हम टॉर्च का यूज़ करते हैं और एक क्वेश्चन था वेयर डज़ द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम यानी इस टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टू टॉपिक्स के द्वारा नंबर वन इलेक्ट्रिक सेल एंड नंबर टू इज़ टॉर्च बल्ब अगर अभी तक आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और बाकी के चैप्टर की वीडियोज़ आपको चैनल के प्ले में मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल यानी इस टॉर्च के इस बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी इस सेल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ये सेल टॉर्च के यहाँ पर इन साइड में फिट होता है स्विच ऑन करने पर इस पर लगा हुआ बल्ब ग्लो करने लगता है इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक रिस्ट वॉचेस ट्रांजिस्टर रेडियो सम कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइस इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ अलार्म घड़ी में रिस्ट वॉच में ट्रांजिस्टर में रेडियो में कैमरा में या बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आती हैं जिनमें इन सेल्स का यूज़ किया जाता है बच्चों के बहुत सारे टॉयज हैं रिमोट से चलने वाले जिनमें जिन सभी में इस इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किया जाता है इसके साथ ही साथ घर में लगा हुआ ए या फिर टी हम रिमोट के द्वारा ऑन करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ होता है रिस्ट वॉच या इस तरह की छोटी चुट छोटी सी जो डिवाइसेस हैं उसमें यूज़ होने वाली जो बैटरी है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है इसका शेप बिल्कुल बटन की तरह होता है इसलिए इन्हें बटन बैटरीज कहते हैं कैलकुलेटर में भी इसी तरह की बटन बैटरीज लगी हुई होती हैं आगे बढ़ने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि ये सेल है क्या और क्या ये डिफरेंट टाइप की होती है द इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सिलेंड्रिकल डिवाइस ये एक इस तरह की सिलेंड्रिकल राउंड शेप में डिवाइस होती है विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि इसके अंदर भरे हुए केमिकल्स के द्वारा बनने वाली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ आ डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यानी ये इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करते हैं इलेक्ट्रिक सेल जनरली टू टाइप्स की होती हैं नंबर वन नॉन रिचार्जेबल और नंबर टू इज़ चार्जेबल नॉन रिचार्जेबल बैटरीज ऐसी बैटरीज होती हैं जिनका यूज़ हम घरों में अपने वॉल क्लॉक पर रिमोट पर यूज़ करते हैं ये ऐसी बैटरीज होती हैं या सेल्स होती हैं जिनका पावर एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर इनको आप यूज़ नहीं कर सकते लेकिन रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक सेल ऐसी सेल्स होती हैं जिन्हें आप बार बार चार्ज कर सकते हैं इन सेल्स के साथ एक चार्जर मिलता है जिस पर इन सेल्स को आप फिट करके उसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल क्या आपने कभी इस इलेक्ट्रिक सेल को ध्यानपूर्वक देखा है यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड फिगर ट्वेल्व पॉइंट वन डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल आपने ये नोटिस किया होगा कि इसके एक साइड इस तरह से कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है और दूसरी साइड इधर प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है इसके साथ ही साथ कैप वाले स्ट्रक्चर की तरफ इस तरह से प्लस का साइन लगा हुआ होता है और प्लेट वाली साइड पर माइनस का साइन लगा हुआ होता है इलेक्ट्रिक सेल में टू टाइप्स के टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल टर्मिनल की मीनिंग अलग अलग होती है यहाँ पर आप इसकी मीनिंग छोर या फिर किनारा समझ सकते हैं द मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द मेटल डिस्क इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल मेटल कैप वाली टर्मिनल को जिस पर कि प्लस का साइन लगा हुआ है यानी पॉजिटिव साइन लगा हुआ है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल या सेल का पॉजिटिव छोर बोलते हैं इसी तरह से डिस्क वाला जो एरिया है जहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है नेगेटिव का साइन लगा है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल्स बोलते हैं इस तरह से सेल में टू टर्मिनल्स होते हैं नंबर वन पॉजिटिव और नंबर टू नेगेटिव टर्मिनल एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इन एक इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाता है इसके लिए इसके अंदर केमिकल्स स्टोर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं वेन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज अप द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी जब इस सेल के अंदर स्टोर केमिकल पूरी तरह से यूज़ हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है एंड द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विथ आ न्यू वन तब इस इलेक्ट्रिक सेल को न्यू इलेक्ट्रिक सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है यानी इसकी जगह पर दूसरा न्यू इलेक्ट्रिक सेल लगा दिया जाता है अब हो सकता है आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हों जैसे वॉट इज़ आ बैटरी या फिर ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो कि अगर डिवाइस बड़ी है ज़्यादा पावर की है तो फिर हम उसे किस चीज़ से चलाएंगे छोटी छोटी डिवाइसेस को तो हम छोटे छोटे सेल्स के द्वारा ऑपरेट कर लेते हैं लेकिन अगर कोई मशीन पावरफुल है तो फिर हम उसे किस तरह की डिवाइसेस से ऑपरेट करेंगे तो इसका आंसर है बैटरी यानी अगर मशीन ज़्यादा पावर की है तो उसके लिए हम सिंगल सेल का यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर वो ऑपरेट नहीं होगी उसके लिए हम बैटरी का यूज़ करेंगे तो बैटरी क्या है अ डिवाइस कंटेनिंग अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक सेल जब इन सेल्स को हम इस तरह से सीरीज में पैक कर देते हैं तो हम इसे बैटरी करते हैं सेल स्टोरिंग एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पावर और इस तरह से सेल को पैक कर देने पर इनकी जो केमिकल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करती है अभी तक हमने देखा कि सेल में टू टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड नेगेटिव टर्मिनल्स और ये सेल इसके अंदर जो केमिकल्स भरे हुए हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है चलिए अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इलेक्ट्रिक सेल के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ये आपको कलरफुल दिखाया गया है जबकि ये ब्लैक होता है इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर वन पॉइंट फाइव वोल्ट का एक सेल लिया है जो बाहर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये इसकी आउटर कवरिंग है इसकी आउटर कवरिंग हटाने पर सेल कुछ इस तरह का दिखाई देगा इसके ऊपर ये जो कवरिंग दिखाई दे रही है फिगर में ये आपको दिखाई दे रही है ये है जिंक कैन यानी जिंक का बना हुआ ये एक कवर होता है जो सेल को एक शेप देने का काम करता है सेल के ऊपर साइड इस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है और नीचे ये प्लेट जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक प्लास्टिक की डिस्क लगी होती है जो इसके अंदर जो केमिकल फिल है उसको बाहरी रिएक्शन से बचाने का काम करती है ये अपर कैप है यानी पॉजिटिव टर्मिनल ये लोअर प्लेट है नेगेटिव टर्मिनल और ये है एक इंसुलेटर बीच में जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है कार्बन रॉड जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ये एक कार्बन की रॉड है सेल को इस तरह से ओपन करने पर इसके अंदर ब्लैक कलर का केमिकल्स आपको दिखाई देता है जो है एम एन ओ टू पेस्ट और एन एच फोर सी एल पेस्ट यहाँ पर मैंने कार्बन रॉड और इन केमिकल्स को अलग कर लिया है एम एन ओ टू को मैग्नीज़ ऑक्साइड बोलते हैं और एन एच फोर सी एल को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है केवल इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए यही केमिकल आपस में रिएक्शन करके एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं जो कि इस कार्बन रॉड के द्वारा फ्लो की जाती है इस तरह से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एक सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन से केमिकल होते हैं जो आपस में रिएक्ट करके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं अभी हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जाना चलिए आप टॉर्च के बल्ब के बारे में जान लेते हैं अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस टॉर्च का जो बल्ब होता है उसमें इस तरह से एक मेटल का बेस होता है जिसके ऊपर इस तरह से ग्लास की एक कवरिंग होती है यानी बल्ब के अंदर वाला जो पोर्शन है वो इस तरह से ग्लास की कवरिंग के द्वारा ढका हुआ होता है वॉट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब इस बल्ब के ग्लास केस के अंदर क्या है चलिए उसे जानते हैं इसे समझेंगे एक्टिविटी वन के द्वारा टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब एक टॉर्च लीजिए और उसके बल्ब के अंदर देखिए यू कैन आल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर इस बल्ब को आप अपने टीचर के हेल्प से बाहर भी निकाल सकते हैं वॉट डू यू नोटिस आपने क्या नोटिस किया डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्सड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब फिगर बी नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्सर्ब विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग अब आपको टॉच को ऑन करना है और ये देखना है कि इसका कौन सा पार्ट ग्लो हो रहा है यानी चमक रहा है द थिन वायर दैट गिव्स आउटलाइट इस कॉल्ड द फिल्मेंट ऑफ द बल्ब यह चमकने वाला जो थिन पार्ट होता है वो बल्ब का फिलामेंट होता है पर इस फिगर में आप देखें तो ये जो थिन वायर्स हैं इन्हें ही फिलामेंट कहते हैं और ये फिलामेंट्स टंग स्टंग मेटल का बना हुआ होता है स्विच ऑन होने पर यहीं पर लाइट ग्लो होती है फिलामेंट इज़ फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स विच आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट ये फिलामेंट यहाँ पर दिए हुए टू थिक वायर से जॉइंट होता है जो इसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वन ऑफ दिस थिक वायर इज़ कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट देंटर ऑफ द बेस यहाँ पर जो दो थिक वायर दिए हुए हैं इनमें से एक थिक वायर नीचे टिप पर कनेक्टेड होता है और दूसरा मेटल पे यहाँ पर ऊपर साइड कनेक्टेड होता है द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल ऑफ़ द बल्ब सेल की तरह यहाँ पर भी टू टर्मिनल्स होते हैं एक इस बेस पर होता है जहाँ पर एक थिक वायर कनेक्टेड होता है और दूसरा यहाँ पर होता है जहाँ पर दूसरा थिक वायर कनेक्टेड होता है दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम आल्सो हैव द सिमलर डिजाइन ये दोनों टर्मिनल्स इस तरह से फिक्स किए जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें घरों में लगे हुए इस तरह के बल्ब की डिज़ाइन ठीक टॉर्च के बल्ब की तरह होती है इस तरह से हमने देखा कि बल्ब में मेन टू पार्ट्स होते हैं एक ग्लास वाला पार्ट जो कि बल्ब को एक शेप प्रोवाइड करता है इसे बल्ब की आउटर कवरिंग भी कहते हैं और दूसरा मेटेलिक पार्ट ग्लास वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर फिलामेंट होता है जो कि स्विच ऑन होने पर जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है इस तरह से ग्लो होने लगता है जिससे चारों तरफ रोशनी हो जाती है बीच के इस पार्ट को जो कि ग्लो होता है इसे फिलामेंट कहते हैं जो कि टंग स्टंग मेटल का बना हुआ होता है इससे दो थिक वायर्स लगे हुए होते हैं जो इस फिलामेंट को सपोर्ट करने का काम करते हैं इन वायर्स के ठीक नीचे इंसुलेटर लगा हुआ होता है इसके बाद मेटेलिक पार्ट होता है जिसमें ऊपर साइड यहाँ पर एक टर्मिनल होता है और नीचे टिप पर एक टर्मिनल होता है ये दो जो बेस वाले वायर हैं ये यहाँ पर इस टर्मिनल से जुड़े हुए होते हैं और दूसरा यहाँ पर इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है जब टॉर्च का स्विच ऑन किया जाता है तो करंट सेल से होता हुआ यहाँ वायर से होता हुआ इस फिलामेंट में पहुँचता है जिससे ये फिलामेंट ग्लो होने लगता है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है चलिए इस नोट को देख लेते हैं नेबर ज्वाइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग दैम through a switch and a device like a bulb if you do so the chemical in the electric cell get used up very fast and the cell stop working yahan par ye precautions likhi hui hai ki agar is tarah ke cell mein aapne do wire lagaye hain to inhe beech mein bina kisi switch या फिर bulb लगाए आपस में इस तरह से connect नहीं करना है अगर आपने इस तरह से connect कर दिया तो इसका जो chemical है वो जल्दी से यूज अप हो जाएगा और ये सेल वर्क करना बंद कर देगा इस तरह से हमने देखा बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव द टू टर्मिनल्स ईच यानी इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब दोनों में दो टर्मिनल्स होते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाई डू हैव टू टर्मिनल्स यानी इनमें टू टर्मिनल्स क्यों होते हैं इसे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो थैंक्स फ़ार वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें